थम के रह जाती है जिंदगी जब पुरानी यादें जम के बरसती हैं। गुलजार साहब की कई नज्मों में से यह एक मेरी पसंदीदा नज्म है। तो ये कहानी है पुरानी यादों की, कुछ अधूरे ख्वाब और अधूरी ख्वाहिशों की। तो ये बात है मेरी एक्स की और उसके बर्थडे विश की। तो चलो आज कुछ ऐसी ही कहानी सुनते हैं। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, घड़ी के कांटे भी शोर मचा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो भी मेरे साथ मेरे सवालों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। बस उतने में ही एक नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। मैंने अपने सवालों के ढेर को साइड में रखा और देखा तो FB नोटिफिकेशन था, 1 year ago today। उस 3 मिनट के नोटिफिकेशन ने मुझे 3 साल पीछे धकेल दिया। उसके फर्स्ट बर्थडे से लेकर लास्ट बर्थडे तक का सफर बस चंद मिनटों में ही दिखा दिया। वो उसके बर्थडे पर उसकी फ्रेंड को मना के उसकी पसंद नापसंद पूछना, दिन भर बाजार घूमकर उसी पसंदीदा चीज को ढूंढना, बर्थडे से पहले बर्थडे भूल जाने की एक्टिंग करना और बर्थडे वाले दिन सबसे पहले जाके विश करना, इस बार तुम्हें बर्थडे पर एक भी गिफ्ट नहीं मिलने वाला, ये कह के बर्थडे वाले दिन ढेर सारे गिफ्ट उसके सामने रख देना और उसका सब जान के भी अनजान बने रहना। मेरे पहले किसी और की विश न लेने की मेरी जिद को हर बार पूरी करना। हर बर्थडे पर ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे है, ये बात कहना और फिर नम आंखों से एक ही सवाल दोहराना कि कल को अगर हम साथ ना रहे फिर भी मुझे बर्थडे विश करोगे, इतनी सारी गिफ्ट ना दे पाओ ना से खुदा से मेरे लिए दुआ करोगे। अब जिस सवाल को मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा था, इस नोटिफिकेशन ने मुझे फिर से उसी सवालों में उलझा दिया था। जहां से ये कहानी शुरू हुई थी वापस से वही लाके छोड़ दिया था। अभी मैं कुछ समझा ही कहा था कि एक और नोटिफिकेशन ने दस्तक दे दी। इस बार मैसेज अननोन नंबर से था पर नंबर कुछ जाना पहचाना सा था। मैं जानती हूं कि तुम मुझे विश करना चाहते हो और मैं ये भी जानती हूं कि तुम सामने से तो मुझे विश करोगे नहीं। तो चलो अपनी सब उलझनों को साइड में रखो और जल्दी से मुझे बर्थडे विश कर दो ताकि हर बर्थडे की तरह मेरा ये बर्थडे भी एकदम स्पेशल बन जाए। और इस नोटिफिकेशन को देखते ही और एक बार फिर मैंने अपने आप को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, उसे विश करूं या नहीं, बस इसी उलझन में खुद को डुबा दिया।